नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पटले आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ और एक नई माहिती लेकर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो रिपोर्ट कार्ड बनाना है सभी क्लास का, सभी टीचर्स को, तो उसके किस तरह से बनाना है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों बहुत सारे जो टीचर्स थे उनका कहना था कि हमें मार्कशीट बनाना है और तो उसके लेकर कोई ऐप है या अगर कोई ऐसा कुछ है जिससे शॉर्टकट में ये मार्कशीट बन जाए, तो उसके लिए मैं एक एकदम शॉर्टकट तरीका आपके लिए लाया हूँ कि मैंने जो मार्कशीट बनाई है उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना है और वो मार्कशीट आपको अपने बच्चों को दे देना है। तो ये मार्कशीट बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का समय लगने वाला है, लेकिन इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ क्या क्या चेंजेस आपको करना है और कहाँ कहाँ आपको करना है। तो दोस्तों ये काम आप तो पीसी में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास पीसी है तो पीसी में करिएगा, नहीं तो फिर आप WPS ऐप जो है उसमें भी आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चेंजेस मैं अभी बताने वाला हूँ वो सेम चेंजेस आप WPS में भी कर सकते हैं, लेकिन WPS ऐप में होता क्या है कि वो एक पेज का जो यहाँ पे है वो 2 पेज में चला जाता है, तो आपको 2 पेज को वहाँ पे एडजस्टमेंट करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 1 पेज में लाने के लिए अगर आपके पास PC है तो बेस्ट है, तो आप PC में करिएगा। तो चलिए हम ये इसको बहुत शॉर्टकट में देखते हैं कि क्या इसमें आपको चेंजेस करना है। तो ये मैं लिंक आपको दे दूँगा, आप ये लिंक को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सेम ये आपको बना हुआ फॉर्मेट मिल जाएगा। यहाँ मैंने 32 मेरे 32 बच्चे हैं तो इसलिए मैंने 32 यहाँ पे पेज बना के रखा है। अगर आपको ज़्यादा लगते हैं तो वो किस तरह से क्रिएट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ सिंपल ये है, ये पेज आपका ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ विद्यालय का नाम दिया हुआ है, यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखना है आपको, यहाँ पे GR नंबर है यानी अपने बच्चों का GR नंबर डालना है, आपका वार्ड जो रहेगा आपको वो सेम यहाँ पे डालते हुए चलना है। तो इस तरह से आपको यहाँ ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मराठी मीडियम से है तो यहाँ विद्यालय के नाम के जगह में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि साढ़ेंचे नाव या यहाँ विद्यार्थी का नाम विद्यार्थियांचे नाव, इस तरह से आपको चेंज करना है अपने लैंग्वेज में। अगर कोई इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश मीडियम वाले को आपको यहाँ इंग्लिश के हिसाब से चेंज करना होगा, क्योंकि ये हिंदी में मैंने बनाया है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ इसलिए मैंने हिंदी में बनाया है। अगर आप जिस भी मीडियम से करते हैं आपको आपको थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस कर लेना है, बाकी कुछ जरूरी नहीं है कि सबको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो है ये आपको चेंज करना है, ये बाकी सेम रहेगा, अभी बाकी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये नीचे के फॉर्मेट पर आना है, यहाँ पे जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है आपका, तो यहाँ कट करके इसको आपका नाम लिख लेना है, जैसे मैं यहाँ कट कर देता हूँ, इस तरह से आपको कट करना है और आपको अपना नाम लिख लेना है, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके HM का नाम लिख लेना है, यहाँ पे आपके जो BO है उनका नाम लिख लेना है, इस तरह से आपको ये 2-3 जगह चेंज करना है, बाकी यहाँ कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके बच्चे की जो श्रेणी है वो आपको यहाँ श्रेणी डालना है, बहुत ही ईजी है, इस तरह से आपको एकदम शॉर्टकट तरीके से आपको ये बना लेना है। दोस्तों अब महत्वपूर्ण चेंजेस और बाकी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरी साइन है, ये आप साइन देख रहे हैं, ये साइन की जगह में आप अपनी भी साइन ले सकते हैं, तो वो किस तरह से लेना है तो वो आप जान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है। अगर लगाते हो तो ठीक है, नहीं लगाते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे साइन होना चाहिए, लेकिन मैं डिजिटली बनाया है तो यहाँ पे मैंने साइन डाला है, तो आप भी डाल सकते हैं, बहुत ईजी है। इंसर्ट पर आपको जाना है, इंसर्ट पर यहाँ पर फोटो के ऊपर आपको या पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है, और पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जहाँ कहीं भी आपने वो रखा होगा फोटो उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने ये रखा है, तो इस तरह से आपको वहाँ पे इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करोगे उसको एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट करने के बाद वहाँ पे आपकी फ़ोटो आ जाएगी, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगी, उसको थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे तो इस तरह से एडजस्टमेंट हो जाएगा। आपको जहाँ अगर सबकी साइन मिलती है तो आप ये कर सकते हैं, ये बहुत ही ईजी है। ये एक हो गया, यानी यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। उसके बाद दूसरा चेंजेस है, अगर आपको लगता है कि ये जो पेज कलर है ये ठीक नहीं है तो आप पेज कलर यहाँ से पेज लेआउट पे जाना है आपको, और पेज लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दे रहा है पेज का कलर, तो आप पेज का अलग अलग कलर ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं, इनमें से कोई भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे येलो है या रेड है, आपको जो लगता है, लेकिन उसके हिसाब से आपको वहाँ के जो फॉन्ट साइज है और फॉन्ट का जो कलर है आपको वो चेंज करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, मुझे तो ये कलर अच्छा लगा इसलिए मैंने ये कलर यहाँ पर अपने लिए रखा है, तो आपको जो लगता है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पेज नंबर देने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेज नंबर देके रखा है, नया पेज आप ऐड करोगे तो उसका नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस तरह से आपको बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपके लिए बना के रखा है, जो जो आपको चेंज करना है वो करने का है, बाकी आपको कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि यहाँ पर पेज नया पेज जो लेना है वो किस तरह से इंसर्ट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर
इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने भी एक ब्लैंक पेज दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। लेकिन उसके पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जो कर्सर है ये एकदम लास्ट पेज लास्ट में चाहिए। अगर लास्ट में नहीं रहेगा, अगर बीच में रहेगा तो आप ऐसे भी उसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि वहाँ से पेज आधा कट हो जाएगा और आधा कट होने के बाद वो दूसरे इसमें चला जाएगा। तो इसको पहले लास्ट में ले लें यहाँ पे ऐसे इस तरह से। ये लास्ट में लेने के बाद अब यहाँ पे आपको पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू पेज हमारा यहाँ पे ये आ गया है, नया पेज इस तरह से आप ये देख रहे हो, नया पेज एक इसके बाद में यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है इस तरह से। अब इस पेज के ऊपर क्या करना है, ऊपर का जो भी आपका वो डेटा है या जो भी किए हो अपने काम, इसको आपको कॉपी करना है। तो कॉपी करने का यहाँ पे तरीका ये है कि आपको टोटल कॉपी करना है, ऑल सेलेक्ट करके इस तरह से कंट्रोल ये करके ऑल सेलेक्ट नहीं करना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद ये पूरे 32 के 32 पेज सेलेक्ट हो जाएंगे और होने के बाद क्या होगा कि आप जब उसको पेस्ट करोगे उस पेज के ऊपर तो 32 का डबल हो 64 पे वो हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये नहीं करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, जितना ही ये पहला पेज है एक पेज कोई भी एक पेज आपको ले लेना है और इसको इस तरह से सिलेक्ट करते हुए जाना है। ये आपका ऐसे सिलेक्ट करते जाओगे और यहाँ तक लास्ट ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ तक करना है। उसके बाद इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद अभी मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, आपको जिस तरह से माउस से आएगा तो आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कर्सर लाना है और उसके बाद यहाँ आके आपको पेस्ट कर देना है। मैंने भी पेस्ट कर दिया है। तो इस तरह से ये पेज मेरा बन गया है, ये आप देख रहे हो ऊपर का पेज और यहाँ पे भी आप देख रहे हो अभी 35 पेज दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्लिक होने के कारण पेज ऐड हो गया है और बाद में अभी नहीं चाहिए, ये पेज मुझे नहीं चाहिए। तो ये पेज को डिलीट करने के लिए आपको सिर्फ बैक स्पेस को क्लिक करना है तो वो अपना ये जो पेज है यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करते जाना है। तो अब ये नया पेज आपके पास बन गया है इस तरह से, ठीक है, ये आप ये पेज तैयार कर लिए हो। तो इस तरह से आपका पेज नया पेज तैयार हो जाएगा। तो देख रहे हो यहाँ पे अभी 34 पेज दिखाई दे रहे हैं, 35 था पहले, अभी 34 हो गया है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद आपको अगर कुछ चाहिए, बॉर्डर वगैरह कलर चेंज करना है तो भी आप कर सकते हैं। आपको लेआउट के ऊपर क्लिक करना है, लेआउट के ऊपर जाने के बाद ये पेज बॉर्डर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको जिस तरह से बॉक्स शेडो आपको जो भी चाहिए आप खुद से कर सकते हैं, आपकी पसंद है। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है, ये बहुत सारे यहाँ पे बॉर्डर दिए हुए हैं, जो भी आपको बॉर्डर अच्छा लगे उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद ओके को क्लिक करना है तो वो आपका वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मुझे अभी नहीं करना है इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। इस तरह से ये आपको काम करना है। तो दोस्तों ये होने के बाद आपको इसको PDF में बनाना है, आपको सेव कर लेना पहले। तो सेव होने के बाद जो भी आपको नाम रखना है वो रखने के बाद सेव कर लेंगे। उसके बाद आपको फाइल के ऊपर जाना है, फाइल के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे सेव एज के ऊपर क्लिक करना है। सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव एज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो नाम रहेगा वो आ जाएगा। यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको PDF सेलेक्ट कर लेना है। ये PDF पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं पहले से कर चुका हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो मैं नहीं करूँगा। तो आपको यहाँ सेव के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद ये PDF सेव हो जाएगा। उसके बाद आप अपने बच्चों को इसको सेंड कर सकते हैं या अपने स्कूल के ग्रुप में इसको सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने टीचरों को शेयर करें ताकि वो बना सके और अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय महाराष्ट्र।